व्हाट्सअप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आया हूँ एक्चुअली दिल्ली के सारे प्लेस मैं घूम चुका हूँ। तो दो ही प्लेस बचे हैं मेरे पास, एक बचा है कुतुब मीनार और एक बचा है लाल किला। सो कुतुब मीनार ज़्यादा नहीं, मेरे वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो इसे मैंने आखिरी लिस्ट पर रखा था। प्रॉब्ली लाल किला घूमेंगे जब भी मौका लगेगा नेक्स्ट वीक। तो अभी मैं जा रहा हूँ टिकट काउंटर पे, कुतुब मीनार का टिकट लेता हूँ और मैं आपको मिलता डायरेक्ट अंदर पे। तो मिलते हैं डायरेक्ट अंदर। सो ये आपका QR कोड है जहाँ से आप पेटीएम के थ्रू या तो वेबसाइट के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, और पर पर्सन है 35 रुपीज़। सो आप देखिए इसके इंस्ट्रक्शन। तो मैं कुतुब मीनार इंटर कर चुका हूँ और आज संडे है, तो एज़ कम्पेयर टू अदर डे तो आज ज़्यादा ही भीड़ रहेगा। तो मिलता हूँ मैं आपको अंदर कुतुब मीनार पे, तब तक आप कुतुब मीनार के सिनेमैटिक शॉट देखिए और एंजॉय द सीनरी ऑफ कुतुब मीनार। ये है आयरन पिलर, वीडियो पॉज करके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। जो अलाई मीनार है जो कुतुब मीनार से ज़्यादा बड़ा हाइट में बनने वाला था, बट कुछ कंडीशन की वजह से बन नहीं पाया। मैं आपको ले चलता हूँ वहाँ पर।
राइट नाउ मैं पहुंच चुका हूं इल्तुतमिश की टॉम पर, और ये टॉम कुतुब मीनार के नॉर्थ रीजन पे है, जो इसका पोर्शन ऊपर से ओपन एयर है। तो आप देखिए ये टॉम। तो आपने जितने भी सिनेमैटिक शॉट देखे हैं वो आपका डे व्यू था। तो ऐसा मैंने सुना था कि नाइट व्यू एज़ कम्पेयर टू डे व्यू में बहुत ही अच्छा आता है। तो मैं आपको मिलता हूँ नाइट व्यू कुतुब मीनार का। तो मैं आ गया हूँ नाइट व्यू पे कुतुब मीनार के पास। तो मैं आपको दिखाता हूँ नाइट व्यू ऑफ कुतुब मीनार। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ नाइट व्यू। इंटरनेट में ये व्यू शायद किसी ने कैप्चर नहीं किया होगा जो मैं आज कैप्चर करने जा रहा हूँ। तो मैं आपको ले चलता हूँ ये व्यू, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू मुझे लगता है ऐसा। तो लिटरली स्पीकिंग जो नाइट व्यू है ना एज कंपेयर टू दी डे टाइम बहुत ही खूबसूरत है नाइट व्यू। तो एक्चुअली ना ये कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है कि क्या चीज़ को कैप्चर करना, बट जो नेचुरल आई से हम देख रहे हैं ना वो वाकई में बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जब भी आप विजिट करेंगे ना तो आप इवनिंग टाइम का टिकट लीजिए और
सारे जो एरिया हैं जो लाइटनिंग कर रखी है इसकी, वो वाकई में ऑसम है। देखिए ये कहाँ आ गए हम, बस यूं ही साथ साथ चलते चलते। तो नाइट टाइम आने का एक और फ़ायदा है कि यहाँ पे लोग आपको कम ही मिलेंगे और ब्लॉगिंग करने के लिए बड़ा ही सुकून और शांति से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है कि भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो जो भी ब्लॉगर है, जो भी यूट्यूबर्स हैं, अगर रात को आएंगे तो बहुत ही सुकून से आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर पे मेरे कुछ यादें हैं जो मेरे फादर एक बार यहाँ पे विजिट किए थे, तो बोलते थे कि इस्माइल यार मेरे भी कुछ फ़ोटो खींच दो, यहाँ पे बड़ा खूबसूरत कॉरिडोर है। तो ये पोर्शन जो था, इसी पोर्शन पे मेरे फादर ने फ़ोटो खिंचाए थे यहाँ पे। अब शायद मेरे गूगल ड्राइव में होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर नहीं होगा तो आई एम सॉरी, बट क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते। बाकी देखिए सो कुतुब मीनार के सारे व्यू मैं आपको दिखा चुका हूँ, डे टाइम और नाइट टाइम। तो होप करता हूँ आपको शायद नाइट व्यू बहुत ही पसंद आया होगा। सो यहाँ पे आने का दो तरीके हैं, या तो बस से या तो मेट्रो से। अगर दिल्ली आप आ रहे हैं मेट्रो से, तो आपको येलो लाइन मेट्रो पकड़ना पड़ेगा कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के पास, या तो साकेत के मेट्रो स्टेशन के पास। वहाँ से ऑटो वाला लेगा आपका 50-60 रुपीज़ लेगा, और वहाँ से आने के बाद आपको टिकट काउंटर शायद यहाँ पे डिजिटली है, जो QR कोड रीड करके आपको QR अराउंड 30 रुपीज़ लगेंगे। सो काफ़ी अच्छा लगा। और बेसिकली अगर किसी को फ़ोटो शूट करना है तो शाम को ही आइए, 6:30-6:30 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कम होती और आप आराम से अपना जो भी फ़ोटो सेशन कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरी बात, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगता है इन चीज़ों बनाने के लिए। और प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड, एटलीस्ट सब्सक्रिप्शन तो फ्री है, वो सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे क्या होगा मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगा। सो आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट संडे पे। सो बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज। Thank you.